अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब माय नेम इज रन मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास टेंथ आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर के तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर नंबर एटीन अटोमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स एंड द नुमेरिकल एटीन पॉइंट वन द हाफ लाइफ ऑफ नाइट्रोजन अटोमिक नंबर सेवन एंड अटोमिक मैथ सिक्सटीन इज 7.3 सेकंड, थ्री सेकेंड अ सैंपल ऑफ दिस न्यूक्लाइड ऑफ नाइट्रोजन इज ऑब्जर्व फॉर 29.2 सेकंड, कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम सो नाइट्रोजन की हाफ लाइफ हमें गिवन है दैट इज 7.3 सेकंड, और इस नाइट्रोजन न्यूक्लाइड को टोटल ऑब्जर्व किया गया ट्वेंटी नाइन तक So, आपने बेसिकली वो फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है जो कि 29.2 सेकंड्स के बाद रिमेनिंग रह जाएगा ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहां पे हाफ लाइफ गिवन है विच इज 7.3 सेकंड और हमें टोटल टाइम भी गिवन है जो हमने ऑब्जर्व करना है दैट इज 29.2 सेकंड्स एंड कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल रेडियो एक्टिव आइसोटोप रिमेनिंग आफ्टर दिस टाइम सो आपने रिमेनिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है सो टू फाइंड रिमेनिंग फ्रैक्शन जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एंसर सो राइट द सोल्यूशन अब क्योंकि हमने कैलकुलेट करना है रिमेनिंग फ्रैक्शन और अगर हम हाफ लाइफ वाले टॉपिक को रिकॉल करें तो रिमेनिंग फ्रैक्शन दैट इज इक्वल टू द ओरिजिनल फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय वन ओवर टू रेस टू पावर द नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स। So, यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइव हमें नहीं मालूम कि कितनी नंबर ऑफ हाफ लाइव हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ हाफ लाइव कैलकुलेट करते हैं सो नंबर ऑफ हाफ लाइव विच इज टी एंड दैट इज इक्वल्स टू टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ सो हम ये टी कैलकुलेट कर सकते हैं टी इज इक्वल टू टोटल टाइम हमारे पास है ट्वेंटी नाइन पॉइंट टू और सिमिलरली आपके पास हाफ लाइफ भी गिवन है दैट इज सेवन पॉइंट थ्री सेकेंड्स सो जब जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा दैट इज फोर ओके सो मींस के फोर्थ हाफ लाइफ के बाद उसका रिमेनिंग फ्रैक्शन कितना रह जाएगा सो so, कैलकुलेट करते हैं इसे सो आफ्टर फोर्थ हाफ लाइफ एन इज इक्वल टू एन नॉट मल्टीप्लाय बाय वन ओवर टू रेस्टू द पावर टी एन इज इक्वल टू एन नॉट मल्टीप्लाय बाय वन ओवर टू की पावर यहां पर आ जाएगा फोर बिकॉज फोर्थ हाफ लाइफ के बाद हमने कैलकुलेट करना है सो एन नॉट मल्टीप्लाई बाय टू पावर फोर मल्टीप्लाई हो जाएगा दैट इज एन नॉट बाय ओके सो दैट मीन कि हमारे पास सिक्सटीन पार्ट जो है रिमेनिंग रह जाएगा ओके okay? सो so, कितना फ्रैक्शन रिमेनिंग है दैट इज अ असटीन पार्ट ऑफ द ओरिजिनल सबस्टांस ओके So, write the result that is one by sixteen part of the one by sixteen part of the original fraction.

स वट फ्रक्शन ऑफ द ओरिजिनल सैंपल विल बी लेफ्ट आफ्टर ट्वेंटी की तरह ही है जिसमें आपको हाफ लाइफ गिवन है दैट इज फाइव पॉइंट टू फाइव ईयर और आपको टोटल टाइम भी गिवन है दैट इज ट्वेंटी सिक्स ईयर तो ट्वेंटी सिक्स ईयर्स के बाद कितना फ्रैक्शन रह जाएगा आपके पास जो भी ओरिजिनल सैंपल आपको गिवन है उसका कितना फ्रैक्शन रिमेनिंग रह जाएगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं सो हाफ लाइफ आपको गिवन है दैट इज 5.25 पॉइंट टू फाइव ईयर्स और सिमिलरली आपको टोटल टाइम भी गिवन है दैट इज 26 सिक्स ईयर्स और आपने कैलकुलेट करना है रिमेनिंग फ्रैक्शन दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एन सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर भी हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइव्स गिवन नहीं है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ हाफ लाइव्स फाइंड आउट करेंगे राइट द सॉल्यूशन नंबर ऑफ हाफ लाइव विच इज टी एंड दैट इज इक्वल टू टी डिड बाय हाफ लाइफ सो दिस टी इज इक्वल टू ट्वेंटी सिक्स डिवाइडेड बाय फाइव पॉइंट टू फाइव इनको डिवाइड करेंगे तो आपके पास हाफ लाइव आ जाएंगी दैट इज फाइव ओके सो फिफ्थ हाफ लाइफ के बाद उसमें रिमेनिंग फ्रैक्शन कितना रह जाएगा सो फर्दर एज वी नो दैट एन इज इक्वल टू एन नॉट मल्टीप्लाय बाय वन बाय टू टी इसमें वैल्यूज पुट करते हैं एन इज इक्वल टू एन नॉट मल्टीप्लाय बाय वन बाय टू टी की पावर आ जाएगी यहां पे फाइव क्लियर और टू रेस्ट पावर फाइव दैट इज इक्वल टू Thirty-two. So n is equals to n naught over one by thirty-two. So we can say that n is equals to n naught over thirty-two. So write the result. so 1 by 32 part of the original sample will left after 26 years clear i hope you understood so now move to the next numerical next numerical 18.3 carbon 14 has a half-life of 5730 years how long will it take for the quantity of carbon 14 in a sample to drop to 1 -eighth of the इनिशियल क्वांटिटी सो कार्बन 14 जिसकी हाफ लाइफ आपको गिवन है दैट इज 5730 इयर्स और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1/8th इनिशियल सैंपल का जो रिमेनिंग फ्रैक्शन रह जाएगा वो 1/8th रिमेनिंग रह जाए तो इसके लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड है आपको ओके okay? सो so, अब यहां पर आपको सिर्फ हाफ लाइफ गिवन है और यहां आपको उसने ये बता दिया है कि जो फ्रैक्शन रिमेनिंग रह जाएगा दैट इज वन एट ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहां पे डाटा नोट कर लेते हैं सो हमें हाफ लाइफ गिवन है दैट इज फाइव सेवन थ्री जीरो एंड फ्रैक्शन टू बी ड्रॉप कितना ड्रॉप हुआ दैट इज वन एट और इस वन एट को मैं यहां पर इस तरह से लिख सकता हूं दैट इज वन बाय टू का क्यूब सो आपको याद होगा जब ने फॉर्मूला डिस्कस किया था दैट इज एन इज इक्वल टू एन नॉट मल्टीप्लाई बाय वन ओवर टू टी तो बेसिकली ये जो टी है दैट इज द नंबर ऑफ हाफ लाइव सो यहां पर हमें क्लियर हो रहा है कि ये जो 3 है, वैल्यू so, आ गई क्लियर नाउ हमने फाइंड आउट क्या करना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर द क्वांटिटी ऑफ कार्बन फोर्टीन सो कितना टाइम लगेगा इसको ड्रॉप होने में दैट मीन आपने टोटल टाइम यहां पर कैलकुलेट करना है सो टू फाइंड में आ जाएगा टोटल टाइम से कितना टाइम लगेगा इसको फर्दर ड्रॉप होने में वन एट तक ड्रॉप होने में इसको कितना टाइम रिक्वायर्ड है सो राइट द सॉल्यूशन, सो वेरी इजी न्यूमेरिकल

थ्री मल्टीप्लाई बाय फाइव सेवन थ्री जीरो एंड दैट इज इक्वल टू टी सो टी इज इक्वल टू वन सेवन नाइन जीरो और अगर इसको मैं पॉइंट में कन्वर्ट करू सो आई कैन राइट हेयर दैट टी इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन टू मल्टीप्लाय बाय टेन इज टू दावर फॉर इयर्स क्लियर सो इतना टाइम लग जाएगा इसको वन एट तक ड्रॉप होने में सो राइट द रिजल्ट सो 1.72 पॉइंट सेवन टू मल्टीप्लाई बाय टेन पावर फोर ल रिक्वायर्ड टू ड्रॉप टू वन एट ओके तो उसको वन एट तक ड्रॉप होने के लिए वन पॉइंट सेवन टू मल्टीप्लाई बाय टेन इफ द पावर फोर इयर्स रिक्वायर्ड हैं, क्लियर सो द नेक्स्ट ओ एटीन पॉइंट फोर टेक्नीटियम नाइन एम इज अक्टिव एलिमेंट एंड इज यूज टू डायग्नोज ब्रेनॉइड लिवर एंड किडनी डिजीजेड मिलीग्राम ऑफ दिस टेक्नीटियम प्रेजेंट हाउ मच विल बी लेफ्ट इन थर्टी सिक्स सो इसमेरिकल में आपको हाफ लाइफ भी गिवन है और आपको ओरिजिनल सैंपल भी बेसिकली गिवन है दैट इज टू तो हंड्रेड मिलीग्राम सो so, अब यहां पर क्वेश्चन किया गया है कि थर्टी सिक्स आवर्स के बाद कितना रिमेनिंग टेक्नीटियम जो है वो बाकी रह जाएगा तो ये आपने फाइंड करना है कि आपने रिमेनिंग फ्रैक्शन आपने फाइंड करना है कि कितना रिमेनिंग रह जाएगा सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं अंदर डाटा आर सो so, आपको यहां पर हाफ लाइफ गिवन है दैट इज सिक्स ऑर्स और आपको ओरिजिनल सैंपल भी गिवन है विच इज 200 मिलीग्राम और आपको टोटल टाइम गिवन है दैट इज 36 सिक्स ऑर्स एंड यू हैव टू फाइंड एन विच इज द रिमेनिंग फ्रैक्शन सो नाउ राइट द सॉल्यूशन। अब एन की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ हाफ लाइव का पता होना चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम नंबर ऑफ हाफ लाइव कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ हाफ लाइफ इज इक्वल्स टू टी डिवाइडेड बाय हाफ लाइफ सो ये टी आपने कैल्कुलेट करना है टोटल टाइम आपको गिवन है दैट इज थर्टी सिक्स ऑर्स हाफ लाइफ गिवेन है दैट इज सिक्स ऑर्स सो इसको हम डिवाइड करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ हाफ लाइव आ जाएंगी दैट इज सिक्स सो द नंबर ऑफ हाफ लाइव

सो so, इतनी क्वांटिटी उसकी रिमेनिंग रह जाएगी आफ्टर सिक्स हाफ लाइफ सो नाउ राइट द रिजल्ट सो थ्री पॉइंट वन टू फाइव मिलीग्राम द लेफ्ट

So, आपने फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद उसका काउंट रेट जो है वो रिमेनिंग 23 काउंट्स पर मिनट रह जाएगा क्लियर सो बेसिकली इसमें आपने टोटल टाइम फाइंड करना है कि कितने टाइम के बाद उसका काउंट रेट जो है वो रिड्यूस होकर 23 थ्री रिमेनिंग रह जाएगा सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट डाउन कर लेते हैं सो so, आपको हाफ लाइफ गिवन है दैट इज इक्वल टू टेन मिनट एंड सिमिलरली आपको इनिशियल काउंट्रेट गिवन है जिसको हम एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं विच इज थ्री सिक्सटी एट काउंट पर मिनट और रिमेनिंग आपके पास जो रह जाएगा दैट इज ट्वेंटी थ्री काउंट रेट पर मिनट और सिमिलरली आपने फाइंड आउट करना है टोटल टाइम ओके सो इस टी को फाइंड करने के लिए आपको नंबर ऑफ हाफ लाइफ का पता होना चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ फाइंड करेंगे सो राइट द सोल्यूशन सो अकॉर्डिंग टू द डाटा यहां पर हम नंबर ऑफ हाफ लाइव के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे एन इज इक्वल्स टू एन नॉट एन वन डिवाइडेड बाई टू रेस्ट टू दावर टी अब यहां पर हमें एन की वैल्यू गिवन है दैट इज थ्री सिक्सटी एट मल्टीप्लाई बाय रेस्ट पावर टू टी अब ये टू टी यहां डिवाइड हो रहा है तो ये साइड पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ट्वेंटी थ्री वहां जाकर डिवाइड हो जाएगा सो so, टू टी इज इक्वल टू थ्री सिक्सटी एट डिवाइडेड बाय ट्वेंटी थ्री क्लियर अब फर्द जब आप इसको डिवाइड करेंगे सो so, डिवाइड करने के बाद इसका आंसर आ जाएगा टू टी इज इक्वल टू सिक्सटीन कैन आई राइट दैट सिक्सटीन इज इक्वल टू टू रेस्ट पावर फोर अब यहां पर बेस बेस जब इक्वल हो जाए दैट मीन कि पावर भी आपस में इक्वल है वैल्यू so आ जाएगी विच इज फोर कैलकुलेट कर सकते हैं यहां से टोटल टाइम विच इज नंबर ऑफ हाफ लाइव इज इक्वल टू टोटल टाइम ओवर हाफ लाइफ एंड यहां पर नंबर ऑफ हाफ लाइव है फोर टोटल टाइम आपने कैलकुलेट करना है और हाफ लाइफ है टेन मिनट्स तो टेन यहां पर डिवाइड हो रहा है यहां पर आके ये फर्दर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको फर्दर मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास टी का आंसर आ जाएगा टू फोर्टी मिनट्स क्लियर नाउ राइट द रिजल्ट So after forty minutes, count rate reduces from three sixty eight to twenty three counts. पर मिनट क्लियर सो फोर्टी मिनट के बाद उसका जो काउंट रेट है वो थ्री सिक्सटी एट से रिड्यूस होकर ट्वेंटी थ्री रिमेनिंग रह जाएगा क्लियर सो आई होप यूनिमेरिकल्स आपको समझ आ गए होंगे तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा टेक केयर अल्लाह हाफिज